लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर आपने इस चुनाव में वोट नहीं दिया तो खामियाजा 350 रुपए चुकाकर भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, वोट ना डालने वालों की पहचान आधार कार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक्ड उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। ये खबर आपके पास भी आई होगी और बहुतों ने अपने चाहने वालों से ये खबर शेयर भी की होगी, लेकिन क्या आप इस खबर की पूरी सच्चाई जानते हैं? नहीं, अगर जानते होते तो शेयर नहीं करते। वायरल खबर नवभारत टाइम्स अखबार के पहले पेज पर 21 मार्च को छपी थी। जी बिल्कुल, असली वाले एनबीटी में ही। अब इतने बड़े अखबार की खबर है तो माननी ही पड़ेगी, लिहाजा सबने धड़ाधड़ इसे शेयर करना शुरू कर दिया है। अब 350 रुपए ही क्यों? तो इसकी वजह अखबार ने ये बताई है, क्योंकि चुनाव के इंतजाम पर सरकारी खजाने से खर्च होने वाली भारी भरकम राशि हमारी आबादी के लिहाज से प्रति व्यक्ति 350 रुपए ही बैठती है, तो नुकसान की भरपाई के लिए इतनी राशि वोट न डालने वालों के अकाउंट से काट ली जाएगी। अब राजसत्ता एक्सप्रेस की पड़ताल में जो सच सामने आया है वो ये है, जो लोग इस खबर को सच मानकर शेयर कर रहे हैं वो बुरी तरह गुमराह हैं। नवभारत टाइम्स ने 21 मार्च को खबर छापी थी, मगर अखबार ने होली के एक दिन पहले परंपरा के तहत हल्के फुल्के अंदाज में पाठकों से मजाक किया था। पहले पन्ने पर छपी ऐसी तमाम फर्जी खबरों के आखिर में बुरा न मानो होली है भी लिखा गया था। नीचे दिख रहे इस पोस्ट में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने कहीं भी ये नहीं बताया है। लोगों के बीच इसको लेकर कंफ्यूजन हुआ। लोगों ने स्टोरी की स्क्रीनशॉट शेयर करनी शुरू की, जिसमें ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये व्यंग है या फिर वाकई खबर। लेकिन अगर आप खुद अखबार के पेज पर जाके देखेंगे तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। ये बात तो साफ हो गई कि ये खबर सिर्फ व्यंग थी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई आयोग प्रति वोटर इतना खर्च करता है? तो आपको बता दें, ये आंकड़ा भी मनगढ़ंत था। इस दफा कितना खर्च हो रहा है ये तो पता नहीं, मगर पिछले आम चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रति वोटर 20 रुपए खर्च किए थे। स्पेशल डेस्क राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।